हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अनित बाग। तो आज मैं दोस्तों आपको अपने वीडियो पे आज दिखाने वाला हूँ कि आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन हम लोग का यहाँ कमेटी में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर बनाते हैं और प्रसाद के रूप में कोई साल कोल्ड ड्रिंक हुआ या और कोई साल में फ्रूट्स हुआ, ये सब देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या तैयारी चल रहा है। तो मैं गया था कब्रस्तान पाड़ा हनुमान मंदिर और प्रोसेशन जो है यहीं से ही निकलेगा रामनवमी का। वहीं पे पप्पू भी था साथ में, पप्पू था, जन्मा था और रणधीर भैया भी साथ में थे। और उसके बाद में हम लोग वहीं पे थोड़ा देरी रुके और वहाँ से फिर हम लोग चले गए फिर अपना कमेटी में जहाँ पे हम लोग उनका प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आधा से एक घंटा यहाँ पे रुका मैं। तो रामनवमी का जो प्रोसेशन है इसी मंदिर से निकलने वाला है। तो मुझे भी दोस्तों यहाँ कमेटी में 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक के लिए मेरे को बोले थे और मैं गया भी था लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे 5 लीटर ही मिला। 2.5 लीटर का एक एक बोतल, 2 बोतल ले के आया और देखता हूँ आमने सामने अगर कहीं मिलेगा तो और 2 भी ले के आ जाऊँगा। तो वहाँ से आने के बाद सीधा मैं अपना जो कमेटी है दुर्गा पूजा कमेटी वहीं पे गया। देखिए सब यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग सब रेडी कर रहे हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जितने भी पब्लिक हैं जो भी प्रोसेशन में आएंगे उनको सब ये देंगे, जिसमें कि 4-5 वैरायटी है, टाटा ग्लूकोस, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, ये सब वैरायटी है, ये सब दिया जाएगा वहीं अपना काउंटर में ही जहाँ पे हम लोग काउंटर बनाए हैं। ये रहा काउंटर और प्रोसेशन जो है दोस्तों इसी रोड पे आने वाला है, कब्रस्तान पाड़ा एकाताली कॉलोनी का, सब मिल के इधरी से ही आएंगे। तो एक एक सामान सब लड़का लोग हम लोग सब लेके आ गए और टेंट में रखे, स्टार्ट किए नहीं हैं। देखिए सब लेके आके यहीं पे रखे हुए हैं और स्टार्ट करने में अभी थोड़ा सा टाइम है तो इसीलिए सब सेटिंग करके रख दिए। अभी हम लोग दोस्तों ये बांटना चालू कर दिए हैं और प्रोसेशन भी चालू हो चुका है, सब आ चुके हैं। ज़्यादा भीड़ होने से दोस्तों संभालने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए हम लोग 5-6 आदमी जो है कंटिन्यू सर्व कर रहे थे, दे रहे थे ताकि भीड़ जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो बहुत सा आदमी क्या कर रहे थे कि दोस्तों स्प्राइट को सोच रहे थे कि ये पानी है सोच रहे थे और नहीं ले रहे थे, बाकी थम्स अप और माजा, टाटा ग्लूकोस, जलजीरा ये सब ले रहे थे। तो इधर देखिए ये जितना जुलूस वाले हैं सब एक एक करके सब आते रहेंगे और हम लोगों का तरफ से टोटल जो है तो जब हम लोग ये बांटना चालू किए बहुत जल्दी ग्लास ख़त्म हो गया। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि बच्चा लोग एक ग्लास पी के एक ग्लास फेंक देते हैं, दूसरा ग्लास उठाते हैं, फिर हम लोग जल्दी से फिर ग्लास मंगाए और फिर कंटिन्यू देना चालू रखे और वहीं से ही सब बस स्टैंड जाते हैं और ये जुलूस जो है पूरा बस स्टैंड तक जाता है। तो भीड़ जो है दोस्तों ये ऐसे ही पूरा
भीड़ रहेगा। आज पूरा टाउन मार्केट सब बंद रहता है ये रामनवमी के लिए। और वैसे भी दो तीन साल जो है कोरोना के लिए लॉकडाउन था, तो उस लिए भी जितना त्यौहार सब बंद था। और जब तीन साल के बाद जब ये कोरोना वरना हट गया, तो अभी क्या है कि जितने भी त्यौहार है सब धूमधाम से मना रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जितने भी बाल हनुमान हैं सब एक एक करके आ रहे हैं इधर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों, तो हम लोग का कमेटी जैसा ये कोल्ड ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारा कमेटी वाले हैं। कोई फ्रूट्स देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स देगा, कोई नाश्ता देगा। तो आज जो है झारसुगड़ा में हर जगह में ऐसा काउंटर बना के और सबको ऐसा ही दिया जाता है, किसी को भी मना नहीं करते। तो भीड़ देखिए दोस्तों किस तरह से पूरा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ तो अगर बोलेंगे तो यहाँ कुछ भी भीड़ नहीं है, अगर टाउन चलेंगे तो टाउन में हर जगह प्रोसेशन निकलते हैं और टाउन में सब जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं वहीं पे। और इधर देखिए दोस्तों, ये श्री प्रभु श्री राम का रथ आ गया है। ऊपर देखिए प्रभु श्री राम, हनुमान, माता सीता सब इधर ऊपर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जितने भी प्रोसेशन वाले निकलते हैं, हनुमान मंदिर के कमेटी वाले निकलते हैं, सबका अपना अपना एक एक रथ होता है। और ये पूरा टाउन होते हुए बस स्टैंड तक ऐसे ही प्रोसेशन निकाल के जाते हैं आज के दिन में। तो यहाँ वैसे तो झारसुगड़ा में बहुत सारा कमेटी है, लेकिन सबसे बड़ा कमेटी जो है वो शिव शक्ति कमेटी है, जो कि मंगल बाज़ार में स्थित है। वो झारसुगड़ा का सबसे बड़ा कमेटी। और वैसे बहुत छोटा मोटा ऐसे बहुत कमेटी है झारसुगड़ा में दोस्तों। तो सब कमेटी वाले ऐसे निकलते हैं और टाउन में सब जमा हो के फिर वहाँ से एक साथ निकलते हैं। और यहाँ रथ देखिए प्रभु श्री राम का किस तरह से सजाए हुए हैं। अभी एक और ग्रुप आ चुका है प्रोसेशन में, देखिए कैसे पूरा नाचते हुए जा रहे हैं, अच्छा लगता है देख। तो हम लोग जहाँ स्टॉपेज दिए हैं वहाँ से टोटल तीन कमेटी वाले जाते हैं, जो स्टॉपेज है यहीं से होके गुजरता है। और इस साल दोस्तों और एक बात भी अच्छा लगा कि यहाँ तेलीभाटा में मुस्लिम बस्ती में भी हम लोग का जो मुस्लिम भाई लोग है वो लोगों भी जितने भी रामनवमी के जितने भी भक्त हैं सबको पानी पिला रहे थे, शरबत पिला रहे थे, पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपना मुस्लिम भाई लोग जितना। और यहाँ पे दोस्तों झारसुगड़ा में रामनवमी के दिन में हर दुकान कोई भी चौक हुआ तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आदमी लोग खाने पीने को देते हैं, किसी के लिए भी मना नहीं है। आप अगर टाउन जाएंगे तो टाउन में भी आपको बहुत सारा वैरायटी को मिलेगा खाने के लिए। हर एक जगह पे स्टॉपेज देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं पब्लिक के लिए भी। हम लोग का काउंटर बंद होने का बाद में फिर मैं घर जाऊंगा, घर में थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा और फिर मेरे को टाउन भी निकलना है। और टाउन में क्या है कि वहाँ पे जो जुलूस जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हिसाब से निकलता है और बहुत भीड़ होता है, तो वो देखने के लिए मैं टाउन जाऊंगा।
तो अभी देखिए दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ टाउन पे, और यहाँ टाउन में जो है बहुत भीड़ है। तो मैं एक जगह साइड में खड़ा हो गया, जो स्टेशन का जो मेन गेट है वहीं पे, और वहीं से ही प्रोसेशन देख रहा था। ये स्टेशन चौक हुआ, झंडा चौक हुआ और बस स्टैंड हुआ। ये तीनों जगह में क्या है कि पब्लिक सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और यहीं से दुर्गा पूजा प्रोसेशन हो चाहे राम नवमी का प्रोसेशन हो, यहीं से देखते हैं। तो मैं स्टेशन चौक आया और स्टेशन चौक से ही मैं देख रहा था। तो अभी चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सरदार जी इधर तलवार खेल रहे हैं। तो मैं साइट होके यहाँ पे देख रहा था। तो रामनवमी के दिन में दोस्तों ऐसे ही तलवार खेलते हैं, लाठी खेलते हैं, और बहुत सा खेल ऐसा है जो कि रामनवमी के दिन में खेलते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये सरदार जी तलवार खेल रहे हैं, और मैं ज़्यादा अंदर जाता नहीं हूँ, मैं दूर में ही खड़ा रहता हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आप सामने अगर रहोगे तो लग भी जाएगा, चोट आ सकता है, हो सकता है कि चोट शायद गहरा भी चोट आ सकता है, उसीलिए मैं अंदर नहीं जाता हूँ और दूर से ही खड़ा होके ये सब प्रोग्राम देखता हूँ। तो मैं दोस्तों वहाँ पे चाय ढूँढ रहा था, अगर कहीं होटल अगर खुला होता तो मैं थोड़ा सा चाय पी लेता, लेकिन पूरा मार्केट जो है बंद था। और इधर देखिए, ये एक ग्रुप है। तो हम लोग को प्रोसेशन देख के फिर जल्दी घर भी रिटर्न जाना है, क्योंकि घर में खाना उना कुछ बना नहीं है। जब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे तब जाके ही फिर खाना बनेगा घर में। तो मैं भी सोच रहा था कि जल्दी से प्रोग्राम अगर हम लोग देख के जाएंगे तो फिर खाना उना बनाने में टाइम लगेगा। और देखिए दोस्तों कैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं कमेटी वाला सब। तो रामनवमी के दिन पब्लिक का मनोरंजन के लिए बहुत सा चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। ये भी कहीं बाहर से ही मंगाए हैं, देखिए कैसा डांस कर रहे हैं। पंजाब से, केरल से, मणिपुर से, ऐसे बाहर बाहर से आते हैं जितने भी कलाकार सब हैं, सब आते हैं यहाँ प्रो कोरोना के लिए। दोस्तों जितना भी पूजा पाठ, जितना भी मेला था, सब पूरा 3 साल तक बंद रहा, और 3 साल के बाद जाके अभी जितना पूजा पाठ हो रहा है। तो पब्लिक जो है हर चीज़ का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर पूजा पाठ, हर मेला का। और अभी आप देखिए, ये जो लेडीज़ ग्रुप है लाठी घुमा रहे हैं, ये भी कहीं बाहर से ही आए होंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
और ये जो बैंड आप जो देख रहे हैं सरदार लोंग का, ये पंजाब से आया हुआ है।